हाँ बोलू दस काम बोलू ब्यूटीफुल सीनरी। मैं कदम्ब खंडी हाँ अब तो कदम्ब खंडी नहीं है बाबुल ये सब कदम्ब खंडी था और बलदेव प्रभु जी उधर में रहते थे स्नान करके गैया खिड़क को यहीं पर पानी पिलाया जाए और उधर में श्रीमती राधिका जी का वो भवन था विष्णु महाराज जी ने बना दिया था के पास में यहाँ पर भी तट पर बना दिया था वहाँ पर तो है ही है जाट में यहाँ पर भी बना दिया जब तो करके आकर के यहीं पर वो देखती थी और ब्यूटीफुल सीनरी बलदेव स्नान करती इस घाट में कृष्ण स्नान करते कृष्ण स्नान देव बलदेव पावन सरोवर है ब्रज में सबसे प्रसिद्ध है बलदेव बलदेव स्नान स्नान वहाँ पर कदम खंडी थी और राधिका स्नान देर कृष्ण स्नान देर वहाँ पर चले और उनके पैर पकड़ कर चक्री चले मगर बन गया वही कहा कि कोई पास कदम खंडी कदम खंडी कदम खंडी है और उठाओ से कदम क्यारी तो सुनहरी कदम ओ पास वृंदा देवी स्थान ओ पारे और एक कदम खंडी ते बलदेव प्रभु था और एक दिखे कृष्ण गोचारण करे इसे गुरु बुद्धि के लिए से एक जल था ओखने खवाई से और निजे वो स्नान करते आप विश्व भानु महाराज श्रीमती राधिकार जन्म ओखने एक फोन करे और कोई घाटे थे श्रीमती राधिका देवी पितार नाम होते पाव और उन्नी नंद बाबार मित्र छे उन्नी एक तालाब टाके क्या हुआ आप उधर में बैठ जाइए वहाँ पर चलो क्लारा वर्ल्ड बॉयज नाउ एसोसिएशन हरे राम हरे राम 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 जय कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय हरि बोल बाबा जी महाराज की जय आई गेट द फॉर्च्यून टू प्ले मी डांगा विद हिम ही वाज कमिंग ऑल द टाइम आई प्रॉब्लम टू स्लीप इन दैट या And he made it deep so that so much plenty of water be there. From his name it became Pavan. But also इसलिए उनका नाम पावन हुआ पावन सरोवर इसमें जो स्नान करेगा इसका जो दर्शन करेगा वो कृष्ण की पावन पवित्र करने वाली लीलाओं को स्मरण कर सकेगा स्फूर्ति होगी इफ एनी मन विल टेक बाथ हियर विल सी एंड रिमेम्बर दिस सरोवर ऑफ सो मेनी पास टाइम्स यू टू बी देयर दरवाजे कदम्ब खंडी एक कदम्ब खंडी उस पार में और कदम्ब खंडी में बलदेव प्रभु जी रहते थे कदम्ब क्यारी उधर में हमारी उद्धव क्यारी को कदम्ब क्यारी भी कहते हैं और यह कदम्ब खंडी वृंदा देवी का स्थान उधर में वृंदा देवी उसके बाद में कदम्ब खंडी के पास ही में पानीहारी कुंड और वहीं पर मधुसूदन कुंड ये सब वहां पर हम तक चरण पहाड़ी के पास में ये सब कदम खंडी में बलदेव प्रभु जी
उनका वो स्थान वहाँ पर स्नान करके पावन सरोवर में वहाँ पर रहते थे और कृष्ण जाने पर कृष्ण की सेवा करते थे और कृष्ण उनकी सेवा करते थे। इसलिए कदम्ब खंडी सरोवर के उस तरफ में विश्वभानु महाराज ने राधा जी के लिए एक सुंदर राजभवन बनाया था। पाऊ वहां जावट में तो है ही है, यहाँ पर भी महाराज विश्वभानु जी ने अपनी बेटी के स्नान करने के लिए यहाँ पर एक सरोवर के ऊपर में एक राजभवन बनाया था, जिसमें श्रीमती राधिका जी अपनी ललिता विशाखा इत्यादि सहेलियों को लेकर उसमें आती थीं और उस घाट पर कृष्ण राधा जी सहेलियों के साथ में स्नान करती और इधर में कृष्ण और दोनों कृष्ण यहाँ पर मगर बन करके राधा जी के चरण उधर में स्नान करते ही राधा जी के चरण धो देते थे। इस प्रकार से लीलाई होती। यहीं पर कृष्ण अपने गो चारण करके आते तो गायों को पानी पिलाते, स्नान कराते, अपने भी स्नान करते और सखाओं के साथ में क्रीड़ा इत्यादि करते। इसलिए सनातन गोस्वामी ने इस स्थान को देखा, ये तो बहुत ही पवित्र स्थान है, यहीं पर अपनी कुटी बना करके भजन करेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी जी यहीं रह करके भजन करते थे। कैसे भजन करते थे? संख्या पूर्वक नाम गान थे काल अवसान निद्राहार विहार का चादंत दीन सज राधा कृष्ण गुणस्पते मधुरानंदेन सम्मोहित वंदे रूप सनातन रविजुग। ये सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। अभी आप लोग उनका दर्शन करें और दर्शन करने के बाद में गोस्वामी जी का महाराज जी का मठ है वहीं पर चल करके हम लोग बैठेंगे। बहुत लंबा चौड़ा स्थान है और उसी में हम लोग हरि कथा कहेंगे और वहीं पर आप लोगों को और भी बतलाएंगे। यू शुड टेक दर्शन, यू शुड ट्रांसलेट एंड देन वी शुड गो। देखा मुक्ता न मुक्ता उषा कुंड में हम उषा कुंड मम ज्ञान देवनंदन से ज्ञान। एज महाराज हैज ऑलरेडी टोल्ड, फर्स्ट वी वेंट टू पावन सरोवर एंड नाउ वेयर वी हैव गैदर्ड दिस प्लेस इज भजन कुटीर ऑफ श्री सनातन गोस्वामी। महाराज इज टेलिंग दैट वाई द नेम ऑफ पावन सरोवर इज पावन सरोवर। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड इन इंग्लिश, आई मे रिपीट दैट नेम ऑफ विशाखा देवी फादर वॉज पावन, देयर फोर दैट कुंड नेम इज पावन सरोवर। मोर ओवर महाराज इज एक्सप्लेनिंग एट दैट दिस प्लेस दिस पॉन्ड इज वेरी पोटेंट, whoever touches it, sees it and takes bath in it, he will get benediction to get potent and powerful and pavan Hari Leela, Krishna Leela being manifested in his heart. Therefore its name is Pavan Sarovar. Maharaj is saying that just across this Pavan Sarovar there is Kadam Khandi, and that Kadam Khandi is a place of Baldev Prabhu. There is a house or a living or a staying arrangement for Baldev Prabhu. He used to take bath at that side of Pavan Sarovar. There is a bank and there is a Kadam Khandi where Maharaj is saying that we have gone to Kadam Kyari or Udhav Kyari where yesterday we went here, and here across this pond from this place there is Kadam Khandi, the place of Baldev Prabhu, and then nearby is Panihari Kund. Panihari Kund means where gopis go and they fetch water in their pitcher. Panihari means they will go. Madhusudan Kund. So these are different banks on Pavan Sarovar. Different kunds, they are different ponds. So also Vrinda Kund is also nearby.
Then Maharaj is telling that just across this place, there Vrishbhanu, father of Radhika, he has constructed a Raj Mahal, a very big and beautiful palace for Radharani. Of course, Radharani and Vrishbhanu palace is in Barsana, but for the taking bath to her, for, he has constructed one house here also for Radharani. Not house, but Raj Bhavan, means a beautiful royal palace. So Radharani used to take bath. That bank where Radharani is taking bath is across this pond. And Krishna used to come to this place, and he will then become a magarmach, a crocodile. And under the water he will go, and when Radharani takes bath, he will go and touches her feet. This pastime takes place here. And also Krishna used to come here with his cows so that they may drink water. Hence so many good pastimes take place. Pujivar Sanatana Goswami saw that it's so much potent place. So he got his kuti, bhajan kutir here, and he was doing his bhajan here. And the procedure of bhajan is same, that chanting the name with a fixed number and with so much dedication and all. Now we are going to mutt nearby. It has got quite a plenty of place. We will do Harikatha as well as Prashad Katha. Krishna Dada. Lord Premanande. Krishna Dada Babaji Samadhi. Krishna Dada Babaji Samadhi. Baba Krishna Das Babaji. There is Samadhi of Krishna Das Babaji Maharaj also. We will see it. Also with Swami Ji, Bhaktivedanta Swami Maharaj. And he was the prominent Shishya of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Which was Krishna Das Babaji Maharaj, he was, we have seen that the movie also. That at the time of laying Samadhi with Maharaj, he was also present here. And he has got very thin, thick relationship with Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and he was very prominent disciple of Bhakti Saraswati Thakur Prabhupada. Gaur Premanande
सीता मसु बलयादि सखा सखा बाबे सीता मसु बलयादि आर सबे मिली कर अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये भी भजन कुटी ही है। वहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है और यह श्रील प्रभुपाद के अंतरंग और एकनिष्ठ सेवक उनके कृपा पात्र नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु वाशिष मद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का भजन कुटी है। प्रभुपाद के अप्रकट लीला आविष्कार के पश्चात हमारे जितने श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, मायापुर में नहीं रह सके। वो विभिन्न जगहों में अपनी कुटी अपना आश्रम बना करके भजन आरंभ किया और वहीं से सर्वत्र प्रचार करना आरंभ किया। हमारे गुरु महाराज जी देवानंद गौड़ीय मठ की स्थापना करके, गौड़ीय वेदांत की स्थापना करके बहुत से गुरु भाइयों के साथ में वहां पर रह से और वहीं से विश्व में प्रचार करने लगे। परम पूज्यपाद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के समय में इंग्लैंड में उस समय वहां पर गए थे और वहां की रानी एलिजाबेथ से या जॉर्ज पंचम से उन्होंने भेंट की थी और वहां के जेटलैंड वो जो उस समय के विशेष वहां के मंत्री थे उनसे मिले थे और वहां पर उन्होंने प्रचार किया था। इस प्रकार से उसके बाद में लौट करके आने के बाद में प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात में ये मायापुर से निकल करके इधर उधर घूम रहे थे और अंत में उन्होंने यहीं पर अपनी भजन कुटी सनातन गोस्वामी के भजन कुटी के पास में ही उन्होंने स्थापन की और यहीं पर आ करके वो भजन भी कुछ दिनों तक किया। इसके बाद में फिर वृंदावन में इमली तला में और मायापुर में गौर नित्यानंद प्रभु का विग्रह स्थापन करके वहां पर उन्होंने अपना मूल केंद्र स्थापित किया। इसके बाद में कलकत्ते में वो कौन तला नारके ताल तला में उन्होंने स्थापन किया और बहुत से शिष्य करके और चारों तरफ में उन्होंने प्रचार किया। इस प्रकार से उनकी भजन कुटी है और यहाँ पर आकर के भजन करते थे। कृष्णदास बाबाजी महाराज और हम लोगों के परम बंधु विशेष करके त्रिविक्रम महाराज जी के परम बंधु मित्र दीन बंधु बाबा जी वहां पर रहते थे और यहां पर भी दीन बंधु बाबा जी बीच बीच में आते थे और रहते थे और भजन करते थे।
जिनका समाधि आप दोनों का देखा, कृष्णदास बाबाजी महाराज जी का और दीन बंधु पूज्य पाद दीन बंधु बाबाजी महाराज जी की समाधि आपने देखा। अभी यहाँ पर छोटे से रूप में यह बैठक है, नित्य लीला प्रसंग विष्णुपाद श्रीमद भक्ति भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की बैठक है, जिसमें ये भजन करते थे, वहीं पर उनकी शिव विग्रह भी रखा गया, शिव विग्रह आलेख वहाँ पर रखा गया है। हम लोग यहाँ का यहाँ पर उनको प्रणाम करेंगे और इसके बाद में उस समिति के गौड़िया संघ के प्रेसिडेंट हुए, उनके बाद में श्री भक्ति सुहिद अकिंचन महाराज, वो भी परम वैष्णव थे, हम लोगों के बंधु थे, अब उनके शिष्य उसके बदले में अभी इस मठ के गौड़िया संघ के आचार्य हमारे सामने में दीन भाव से खड़े हुए शिष्य भक्ति प्रसाद साधु महाराज, सचमुच में ये साधु हैं, किंतु वहाँ के उस संघ के सभापति हैं हमारे भक्ति चकोत सौती महाराज जी, यहीं पर खड़े थे, वो सभापति हैं, इनके भी पूज्य हैं, इसलिए ये सभी लोग मिल करके अपना गौड़िया संघ के द्वारा प्रचार करें और अपना भजन साधन भी करें। हम प्रभु से और पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी से और अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी परम पूज्यपाद जी त्रिविक्रम महाराज जी श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में आप लोगों को कुछ निवेदन करें। ओम नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। यह स्थान गौड़िया वैष्णवदेव একটি পরম আদরের স্থান, এই স্থানের মহাত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে শ্রী সনাতন গোস্বামী এখানে থেকে ভজন করেছিলেন বলে তাঁর ভজনের প্রভাবে চতুর্দিকেই ভক্তির সৌরভ প্রসারিত হয়েছে এবং তিনি ভক্তিরাজ্যের একটি যে মূল স্তম্ভস্বরূপ সেটি সকলে জানতে পেরেছেন। শ্রীমান মহাপ্রভু তাঁর যে ধর্ম অনর্পিত চলিং শ্রীরাজ করুণয়াবতীর্ণ কলব দ্বারা যে তত্ত্বকে জগতে প্রচার করতে এবং যে মহাবদান্য প্রেম ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন সেই প্রচারে প্রধান স্তম্ভস্বরূপে শিল রূপ সনাতনকেই তিনি নির্দিষ্ট করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী যদিও কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ্যে স্কুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন তথাপি তিনি হোসেনশাহ বাদশাহ প্রধানমন্ত্রী রূপে কিছুদিন কাজ করেছিলেন, কিন্তু সেই পদকে তিনি বিস্তার মতো পরিত্যাগ করে সনাতন গোস্বামী অকিঞ্চন হয়ে পরম বৈরাগ্যবান হয়ে কাশীতে এসে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেছিলেন এবং সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনের যে সম্বন্ধ জ্ঞান তারই আচার্য স্বরূপে মহাপ্রভু তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমরা সে সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানতে পেরেছি। সনাতন গোস্বামী আমাদের যে সম্বন্ধ সেইটি জানিয়েছেন, তিনি মহাপ্রভুর কাছে বলেছিলেন যে আমি কেন বলে যারে তাপত্রয় ইহা নাহি জানি কই সে গীতা হয় সাধ্য সাধন তত্ত্ব বিচিত্র না জানি কৃপা করি সব তত্ত্ব কহতা আপনি। মহাপ্রভু তার উত্তরে তাকে বলেছিলেন যে তোমার নাহি অজ্ঞান, তুমি কৃষ্ণের পরম শক্তি, সুতরাং তোমাকে যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে, ক্রমে ক্রমে সব তত্ত্ব কহিয়ে তোমাতে। সাধ্য সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি তাকে উপলক্ষ করে সমস্তই তিনি জগৎকে প্রকাশ করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধ জ্ঞানে সম্বন্ধ জ্ঞান তত্ত্বে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
मंदिर राधा माँ दादा मदन मोहन मंदिर तारी भजन स्थली वृंदावन पास स्थापन कर जगते सम्बन्ध ज्ञान महिमा प्रचार कर भक्ति राज्य प्रवेश करते गले सर्वप्रथम सम्बन्ध ज्ञान प्रयोजन है से सम्बन्ध ज्ञान श्रीमान महाप्रभु सनातन गोस्वामी के द्वारा अवलम्बन कर जगते प्रचारित कर सनातन गोस्वामी जदिव दैन्य कर साध्य साधन तत्व किसी ना जानी महाप्रभु द्वारा बोल तुम सब तत्व जान तुम्हार नाहक अज्ञान महाप्रभु एक कथा की अतिश्रुति ना मिथ्या ना सनातन गोस्वामी कथा मिथ्या समस्त विचार कर देखा जाए सर्वदाय सत्य सनातन गोस्वामी जिनार अज्ञान नाई साधन साधन प्रतिष्ठित नन एक कई नये कारण तीन कृष्ण लीलाय सखी छतरा से रूप सखी व्यतीत यह रूप साध्य साधन तत्व प्रतिष्ठा प्रकाश सम्यक रूपे करवार योग्यता कारो नाई कथाई महाप्रभु ताकि जानिए सुतरां আমরা সেই সনাতন গোস্বামীর পাদপদ্মে সমাগত হয়ে তার কাছে এই ভিক্ষা করব যে সাধ্য সাধন যা কিছু সেগুলো যেন আমরা তাঁর কৃপায় উপলব্ধি করে তাঁর সেবা করতে পারি। আচ্ছা কলকাতা রূপস্থ কৃপা সিন্ধু ভাই এই বছর পাওয়া পাবন একটু বৈষ্ণবের শুরু श्री गुरु नम प्लेस वेयर वी हैव कम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस वेरी नियर एंड डियर एंड इन क्लोज एसोसिएट ऑफ श्रील प्रभुपाद पूज्यपाद भक्ति सारंग महाराज यूज टू डू हिज भजन हियर महाराज सेड दैट व्हेन Srila Prabhupada entered in his eternal pastime. At that time, very close disciple of Srila Prabhupada could not stay in Mayapur. They left that place and they went hither and thither. Param Gurudev, that is Gurudev, Guru Maharaj of our Gurudev, he also left that place and finally he established Devanand Gaudiya Math in Navdeep. And so many of his god brothers were also staying with him. Similarly, Pujipad Sarang Maharaj, he also went here and there at so many places. Finally, he came here and he set his bhajan kutir here. He was very close and dear disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada first time sent him to England for preaching. And there he met, here I mean, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. He was very close and dear disciple of that Srila Prabhupada. He was very highly learned and very highly cultured and civilized from the civilized family. And he belonged to very highly aristocratic family. That is why Srila Prabhupada sent him to England. And also in England, while being in England, he met to the topmost people. Maharaj was saying, he met to the Queen Elizabeth and similarly the Lord Zetland. They were from the royal family because he himself from the aristocratic family and he met the royal family member of England. Then, when Srila Prabhupada left this abode, he also left Mayapur and then he came to this place. From this place, his preaching expanded very nicely and profoundly. He also set a temple at Imlitala where we generally used to go and then he also set a temple, made a temple in Mayapur. Very renowned Mayapur, I think Gaur Nithai Temple Maharaj was saying, and it is now very well
many temples he made. This shows the potency of his preaching all over India. And he was very priya bandhu and closely Pashand Gajai Singh, that how this is the title given to Param Gurudev, that is to Gurudev, Guru Maharaj of our Gurudev. This title was given by Pujipal Sarang Maharaj. This title means that those who are imposter, like elephant, and to such type of elephant who are chaotic creator of the society, chaos creator of the society. And our Param Gurudev, he was lying in front of such elephant and he used to kill such huge elephants. So, this place is also having samadhi of Krishnadas Babaji Maharaj and opposite, we have seen, and you said about Srila Deen Bandhu Babaji Maharaj, unki samadhi hi, wo bhi wahi thi, and Deen Bandhu Babaji Maharaj, he was very closely, Pujipal Trivikram Maharaj was very closely associated with him, Maharaj was saying, and here is a very small baithak, that is sitting place. In fact, here we can see that was Bhajan Kutir of Pujipal Sarang. Sit here. After his leaving this abode, Pujipal Bhakti Suhrad Akinchan Maharaj took over the charge and he also spreaded the Krishna consciousness similarly. And now, at this place, Pujipal Bhakti Prasad Sadhu Maharaj, is already saying he looks like more than a sadhu. He is in charge of this place and the society they are having, Gaudiya Sangh Society, his chairman is Pujipal Shruti Maharaj. And he is Acharya and he is chairman. So he was here, you told me. So now Pujipal Trivikram Maharaj is telling about Sanatan Goswami, Bhajan Kutir we have already seen, because this place is in fact extended portion of Srila Sanatan Goswami Bhajan Kutir. Srila Sanatan Goswami was the pillar of Srila Chaitanya Mahaprabhu's Bhakti realm. He is using the word Saurav. He emanated the fragrance of Srila Chaitanya Mahaprabhu Bhakti along with his brother Srila Rupa Goswami. These two brothers in fact spreaded that Anarpit Charim Chirat which Chaitanya Mahaprabhu wanted to give. And this was spreaded by Srila Sanatan Goswami and Srila Rupa Goswami. In fact, Srila Sanatan Goswami belonged to a very high class of Brahmanic family, and but somehow or other it happened to be so that they had to render service at the royal court of Shah Hussain. He was a Yaman Muslim king, and therefore they used to consider themselves very low class. But in fact, from the very beginning, they belonged to a very high class family. Sanatan Goswami left the kingdom of Shah Hussain. Somehow or other, we know this story. And then he came he surrendered himself totally to Chaitanya Mahaprabhu. And when he came, he asked the question from the very beginning to Chaitanya Mahaprabhu, and from his own deed and from his own preachings, he established the initial, the foremost and most primary thing of our bhajan, that is called Sambandh. He asked Chaitanya Mahaprabhu, Kyami, who am I? And Chaitanya Mahaprabhu said that you wanted to know this question, though you already know it. Maharaj is here explaining that, is it that Srila Sanatan Goswami was asking to Chaitanya Mahaprabhu because he did not know it? No, it can't be so that he did not know it. Why?
because in the pastimes of Radha Krishna, he is eternal associate of Radha Rani, and she is friend Sakhi of Radha Rani. How can it be possible that he did not know it? But his humbleness and to all of us to teach it, that what is that Sambandh Gyan, he asked from Chaitanya Mahaprabhu that who am I? He in fact preached and spread it, the first and the primary and foremost thing, relationship with our Krishna. For this also he set a temple of Radha Madan Mohan, who is the predominating deity of Sambandh Gyan. And hence he preached that thing. This is what Srila Maharaj has said. And this evening Maharaj is saying that about Srila Sanatan Goswami and all those places where we have visited or will visit, we'll talk about there in the evening class. We should be attentive over there and present also. Now we'll take some kaleva here and we'll rush to Tel Kadam. And we have to go a long way and the time is passing fast. इसके बाद में अभी कुछ जल खाना कलेवा होगा और इसके बाद में हम लोग बस में बैठ करके सामने रास्ते पर उतर जाएंगे और पैदल वहां से जाएंगे. अभी हमारे ब्रह्मचारी लोग सब 10-5 आदमी लोग वहां पर चले जाएं और हाथी में दे देना है, दोना में देने की जरूरत नहीं. नो नीड ऑफ एनी दोना और एनीथिंग, ओनली इन हैंड्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट. हमारे ब्रह्मचारी जी शुभानंद और ब्रह्मचारी और डोंट गिव दोना, नो नीड ऑफ गिविंग दोना, हाथ में दे दो. ये इंग्लैंड नहीं है, आप लोग हाथों में झटझट और दसरा गमछा में ले लो, गमछा में या 4-5 आदमी ले लो, एक आदमी से नहीं होगा. और एक आदमी को दे दो तो नहीं तो गमछा में दे दो, 4-5 आदमी चले जाओ. Newton construction. No. No. Babaji Maharaj working. Babaji Maharaj working. Oh, parikrama. Bending. Oh, here. Madam is here. एक अंकल लोग चांदी के धुनी जाए कृष्ण कर्जर बदल.
নতুন আনা হয়েছে রূপ গোস্বামী দেওয়ার জন্য প্রসাদী মালা এনেছেন না প্রণাম করে নিন He wrote this. Guru Maharaj wrote. Sri Ram Maharaj wrote. বললাম যে সব বুঝি আসে তা কই যেন আমার আরেকবার করবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 মঞ্জরি রাশি
ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। वो कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी, श्री मंजरी के जो चरण कमल है वही हमारी संपत्ति है। ओ द लोटस फीट ऑफ स्वरूप मंजरी इज माई वेल्थ, नॉट ओनली वेल्थ, लाइफ एंड सोल एंड एवरीथिंग। श्री मोर भजन पूजन, वही हमारे भजन और पूजन का मूल चीज है। पूजन माने अर्चन और भजन माने सेवा। हम उन्हीं के चरणों की सेविका हैं, उन्हीं का हम पूजन करते हैं। श्री मोर प्राण धन, श्री गोस्वामी के चरण कमल ही हमारे प्राण धन है। श्री मोर आभरण, उनके चरण कमल ही हमारे आभरण है, अलंकार है। श्री मोर जीवन है, जीवन रूप गोस्वामी के चरण कमल ही हमारे जीवन के जीवन, हमारे लाइफ के भी लाइफ ये है। श्री मोर रस निधि, वो हमारे रस की निधि है। वो यदि रूप गोस्वामी न रहे तो राधा कृष्ण जो रस की निधि है ये उपलब्धि नहीं हो सकती, इसलिए रस निधि। श्री मोर वांछा सिद्धि, उनके चरण कमलों की सेवा ही हमारे लिए वांछा सिद्धि है, हमारी सारी सिद्धियां हो गई ये यदि उनके चरण कमलों की सेवा हो गई। श्री मोर वेदेर धर्म, वही हमारे वेद का भी धर्म है, आर्च धर्म, सब कुछ वही है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई भी साधन भजन या कुछ नहीं है। श्री व्रत, उन चरण कमलों की सेवा ही हमारा व्रत है एकमात्र, वही हमारा तपस्या है, उनकी चरण कमलों की सेवा को। श्री मोर मंत्र जप, रूप मंजरी के चरण कमल ही हमारे मंत्र जप है। श्री मोर धर्म कर्म, हमारा धर्म कर्म साधन सिद्ध जो कुछ है वो रूप गोस्वामी के चरण कमल है। अनुकूल हवे विधि से पदे है, यदि विधि हमारे अनुकूल हो जाए तो उनके चरणों में हमारी सिद्धि हो। यदि अनुकूल हो विधि तो हम यही उनसे प्रार्थना करेंगे उनके चरणों की सिद्धि हमें हो, उनके चरणों की सेवा हमें मिले। निरख हब ए दुई न्याय, कब हमारा सौभाग्य होगा कि अपने आंखों से उनके चरण कमलों का दर्शन होगा।
बा श्री रूप मंजरी के श्री रूप माधुरी राशि प्राण को बोले शशि। ओ रूप मंजरी इतनी सुंदर है कि राधिका जी का रूप ही वो है, इसलिए उनका रूप नाम नाम हो गया रूप मंजरी। नैन मंजरी राधा जी के नैन की शोभा है, इसलिए वो नैन मंजरी है। कोई लवंग मंजरी है जो श्रीमती राधिका जी लवंग अपने नाक में पहनती हैं, वो कौन है? सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है। कोई गुण मंजरी है, कोई कुछ है, तो ये इतनी सुंदर है एक एक जुथेश्वरी होने लायक है, किंतु ये जुथेश्वरी नहीं चाहते हैं, राधा जी की चरण कमलों की सेवा चाहते हैं। तो हम राधा जी की चरण की कमल की सेवा ये बिना रूप मंजरी के नहीं हो सकता है, इसीलिए बड़ी सुंदर जो रूप मंजरी है उनके चरण कमल की हम आराधना करते हैं। माधुरी राशि प्राण कुबलय शशि, जैसे कुमुदनी का फूल चंद्रमा को देख करके खिल उठता है, और समुद्र का पानी भी चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा को देख करके उछलने लगता है, ऐसे हमारा प्राण भी श्रीमती रूपमंजरी के चरण कमलों को देख करके समुद्र की भांति उछलने लगता है, और कुमुदनी जैसे प्रकाशित हो जाती है वैसे हमारा मन भी प्रकाशित हो जाता है। तुआ और दर्शन अही घर ले जरण दे, नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा, तुम्हारी आराधना मैं कर रहा हूं तो तुम्हारा अदर्शन दीरह क्या है, सांप है, उस सांप के डसने से विष हमारे अंदर में आया, इसलिए हमारा सारा शरीर उस ज्वाला से दीरह की तीव्र ज्वाला से जल रहा है। त्री दिन तापित जीवन, सारा जीवन तुम्हारे दर्शन के लिए हमने साधन भजन किया, किंतु अभी तक तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन नहीं हुए, यही सर्प है और इस सर्प के काटने से विष गाने से हमारा हृदय जर्जर हो रहा है। हा प्रभु कर दया, हे प्रभु रो रो करके करें, हा प्रभु हे रूप गोस्वामी हे रूप मंजरी जी आप दया करें, देह मोरे पद छाया नरोत्तम लई दशा, मैंने सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में हमने शरण लिया है, इसलिए आप कृपा करें। नाउ यू शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश। This bhajan is written by rather spoken by Sri Narottam Das Thakur. Maharaj is explaining this bhajan. Srila Roop Goswami is aspiring for. इसका मुंह उधर करो, मेरे सामने इसलिए गड़बड़ हो रहा है। Shri Rup Goswami, Shri Narottam Das Thakur is praying at the lotus feet of Shri Rup Manjari and saying that her lotus feet is my wealth, my property. My whole bhajan and pujan is Shri Rup Goswami's lotus feet. Maharaj is explaining here, bhajan means service. So my service is only to serve lotus feet of Rup Manjari. And my pujan, pujan means archan. I will do always my worshipping to the lotus feet of Rup Manjari. These lotus feet are my pran, my life, not only life, life and soul. My abhushan, they are my ornaments. Jivan re jivan. These lotus feet are life of my life. She is ocean of mellow. Ras ki nidhi. She is treasure of mellow. Maharaj is saying, of course, Radharani is said to be ocean of mellow, but without Rupa Manjari, that ocean will not be an ocean. My whole desire is, my internal desire is, I desire from the core of my heart to serve them, and that is only my perfection. That is only my dharam, dharam which I consider the dharam of all the scriptures and Vedas.
I take vow to serve that lotus feet only. And that these lotus feet are only my meditation, my mantra and my jap. If my fortune is favorable to me, I pray to my fortune only this thing, that I should get an opportunity to serve the lotus feet of Rupa Manjari. On the top of it, I want, finally, if I can get an opportunity to see by my eyes vis-a-vis. Maharaj is saying, who is Rupa Manjari? Rupa Manjari is the beautiful form of, beautiful roop of Radharani is Rupa Manjari. Similarly, all these manjaris are one or another bodification of Radharani's different attributes and aspects, like Lavang Manjari. Who is Lavang Manjari? Lavang means nose, glove, nose ring, glove. Anyway, she is, and who is Sanatan Goswami is Lavang Manjari. Similarly, Nayan Manjari, the beautiful eye of Radharani personified is Nayan Manjari. These all manjaris are very potent, very competent, more competent to become Yutheshwari, to become queen of all the groups, different groups of Radharani's sakhis. But they don't become Yutheshwari. They don't become head of the queen of the youth. Why? Because they want only to serve Radharani. Maharaj is giving very, very wonderful example here. Like a flower of Kumudini. When rays of moon falls on it, then it blossoms. Similarly, my heart. And another example, that ocean gets high waves when full moon falls on it. Similarly, the lotus feet of Radharani, Rupa Manjari, they are like moon to my heart, to my pran, and it gets blossomed and it gets enthused only by those lotus feet. And if I could not see them, tumara adarshan, if I could not see them, then what is the state? That I am not seeing. Presently I am not seeing. This state, that these lotus feet are invisible, not seen to me. This state is like a snake bite to me. And as a snake bites and its poison goes into my body, similarly this separation positions is like a snake bite to me. And my whole blood getting the poison of this separation snake is burning with the mood of separation. So these are the bhajan from it. And in the state of weeping, crying and very menial position adopting by Srila Narottam Das Thakur, he is rolling on the ground and asking for the mercy of Srila Rupa Manjari, that please shower your mercy to me so that I can get your benediction. Otherwise, I won't live, I will die. Young virle aadmi honge जो कि इसका अर्थ जानते हैं। यदि हम लोगों ने कहीं कहा हो तो फिर जानते हूँ, नहीं तो समझना बड़ा भारी है। किसी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव के यहाँ जाने से तब ये समझा सकते हैं इसका अर्थ। ओह, दिस पोएम इज सो हाई क्लास, सो डीप मीनिंग, एंडलेस मीनिंग। वेरी रेयर पर्सन कैन नो द मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री, this song. If anyone has come in the association of high class Rasik Vaishnava, in the line of Rupa Goswami, then they can know the meaning of this poem. So, Madhav,
in the line of Rupa Goswami. Perhaps he is in the time of Narottam Thakur. He is telling this. Jankali Rupa Sarir Nadhara. Jadi Rupa Goswami Kali Yug mein na prakat hote, sarir dharan nahi karte. Tang Braja Prem Mahanidhi कुठरी का कौन कपाट उघार. तो ब्रज प्रेम, जो ब्रज प्रेम लोहे की संदूक में बड़े वज्र जैसे कपाट निर्माण किए गए और उसके अंदर में ये बंद पड़ा, उसके इस घर उस कुठरी में ये बंद है जिसके बड़े वज्र के समान दरवाजे हैं और बंद है, उसको खोलने वाला कोई नहीं. ये कौन खोल सकता है? यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो जिस महाकोठरी में महानिधि जो ये धन प्रेम रूपी संपत्ति छिपी हुई थी वो रूप गोस्वामी ने उस कवाट को खोला नहीं तो खोलने वाला कोई नहीं हुआ. महाप्रभु जी का आदेश था जो तुम खोल दो, इसलिए खोल दिया. नहीं तो आज तक कितने युग युगांत ब्रह्मा जी के एक दिन में कोई कपाट नहीं खोला.